आप सभी को पता है कि देश 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, आजाद हुआ। और आज देश को आजाद हुए कितने साल पूरे हुए, 75 साल पूरे हो गए। अब हम बात करें, ये तो सबको जनरल सबको पता है, जितने भी इंडिया वासी हैं सबको पता है, सब लोग एक देशभक्त हैं, सब लोग देश से प्यार करते हैं, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं पास्ट इंडिया की, प्रेजेंट इंडिया की एंड फ्यूचर इंडिया की। समझ में आ गया, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, ठीक है। पास्ट इंडिया मीन्स क्या हुआ, जो बीत गया, बीता क्या, पहले हम लोग गुलाम थे, अभी क्या है, स्वतंत्र हैं। लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं जिसको हमें सुधार करने की आवश्यकता है। आप सब क्या समझते हैं कि इतना भीड़ हमें बुलाने की क्या जरूरत थी, अगर हम चाहते आपको तो एक वीडियो बना के आप सभी तक पहुंचा सकते थे, बात है कि नहीं। लेकिन इतनी सारी भीड़ को यहाँ पे बुलाने की क्या मकसद है, कुछ तो मकसद होगा। ये हो गया प्रेजेंट इंडिया के लिए हम आप लोग को बुलाए हैं, यहाँ पे बात करना है। पास्ट इंडिया का स्टोरी सुनने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, सबको पता है देश अंग्रेजों से गुलाम था, 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, आजाद हुआ। बहुत लंबे संघर्षों के बाद, बहुत सारे कुर्बानियों के बाद, बहुत बलिदानियों के बाद आजाद हुआ, समझ में आ गया। और बात करेंगे कि फ्यूचर इंडिया का क्या होगा, भाई फ्यूचर तो फ्यूचर होता है ना, हमें तो क्लियर नहीं पता है, हमें अपना भी फ्यूचर नहीं पता है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग प्रयास करेंगे, जब हम लोग प्रेजेंट, फ्यूचर किस चीज़ पे डिपेंडेंट करता है, हम लोग अभी प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं उस चीज़ पे फ्यूचर डिपेंड करता है, बात है कि नहीं। पास्ट इंडिया में थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, सर अभी बताया तुरंत कि क्या था पहले, व्यापार करने के नाते से इंडिया में लोग आते थे विदेश से, अब ये चीज़ नहीं कि केवल इंग्लैंड से आते थे, बहुत सारे देशों से आते थे, है ना। लेकिन क्या हुआ कि इंडिया के लोग सीधे साधे भोले भाले अभी भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, अभी भी होते हैं, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा दबंग होते जा रहे हैं सभी लोग, है ना। तो सब लोग होते थे, अब उन लोग क्या किया कि व्यापार किया, इंडिया की जनसंख्या आप सभी को पता है, है ना, इंडिया की जनसंख्या सबको पता है कितनी है, कितना है, 125 करोड़ प्लस कर गया है, ठीक है ना, प्लस कर गया है। तो इतने सारे लोग में उन लोग का व्यापार, और ये भी पता है कि जो भारत है जनसंख्या के दृष्टि से कितने नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। नंबर वन पे चाइना है, वो तो चाइनीज है, वो उसका चाइनीज माल है, सब खत्म है वो, ठीक है। लेकिन सबसे वैल्यूएबल कहाँ पे था, इंडिया में था, इंडिया में सब व्यापार करने आता, लेकिन इंडिया को ही दे दिया, किस इन लोग क्या किया, धोखा दे रहा है, मतलब यहाँ पर ही कब्जा किया है और इन्हीं लोग को क्या कर रहा है, शोषण कर रहा था, जैसा कि सर ने बताया अभी, क्या कर रहा था, आपस में ही लड़ाने का प्रयास कर रहा था। तो ये क्या हुआ, हमारा घर, आपस में कोई, मान लीजिए आपका कोई घर है, कोई बाहर के इंसान आपके घर में गया, आपके फैमिली में क्लेश करवा दिया, मतलब झगड़ा है ना, तो आपको क्या कर रहा है, बाहर के लोग आपको क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है ना, ठीक है ना। अब शोषण और गुलामी दो चीज होती है, शोषण मीन्स केवल आपको परेशान कर रहा है, परेशान कर रहा है, आप परेशान होते जा रहे हैं, परेशानी से लड़ने तो आपको नहीं आ रहा है, परेशान क्या हो रहे हैं, होते जा रहे हैं, ठीक है ना। अब उस परेशानी से कैसे निकलना है आपको वो भी नहीं पता, तो परेशान होते होते क्या करेगा, आपके घर पर कब्जा भी कर सकता है ना। तो सेम ऐसे ही हुआ कि जो जितने भी इंग्लैंड वाले थे, ब्रिटिश सरकार थे, अन्य देशों की अपेक्षा उन लोगों का जो भी था, मतलब प्रकोप था, ज्यादा था यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे कि एक कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी भी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज है कि आपने क्या किया, हमारे इंडिया को पूरी तरीके से, अब ऐसे नहीं, कुछ कुछ इतिहास में ऐसे, मतलब कुछ लोग की कहानी सुनेगा, बूढ़े दादा लोग से, तो उन लोग क्या बोलेंगे, इंडिया को चारों तरफ से घेर लिया, भाई घेरेगा कहाँ पे, क्या करेगा घेर के हम लोग के, ठीक है ना, घेरेगा नहीं, हम लोग पे प्रकोप अपना जमाया हुआ था, मतलब हम लोग को गुलाम बना रहा था, मतलब क्या कर रहा था, शोषण कर रहा था एक तरीके से। तो ये तो हो गया पास्ट। अब क्या हुआ कि पहली क्रांति हुई थी आपका कब, 1857 में, जो कि आप क्लास 8 में पढ़ते हैं हिस्ट्री के बुक में, 1857 में, है ना। उसमें 1857 की क्रांति को बेहतर ढंग से पढ़ाई कीजिएगा सब, पहला लड़ाई आजादी की लड़ी गई थी कब, 1857 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद 1857 ईस्वी में पहली लड़ाई हुई जिसमें हमारी हार हो गई, हार होने का रीजन अभी हम बताएंगे, ठीक है, हार हो गई। उसके बाद जस्ट बहुत लंबे संघर्ष के बाद, बहुत कुर्बानियों के साथ एंड बहुत सारे, जैसे कि होता है कि मान लीजिए एक पूरे सोसाइटी को हम लड़वा दिए आपस में, है ना, पूरा भगदड़ मचा हुआ है, कोई ना कोई लोगों को तो समझ में आएगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है ना। तो वैसे ही कुछ हमारे महापुरुष जन्म लिए, उठे समाज से, मतलब समाज के ऊपर आए कि हमें अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना है, ठीक है ना। इट्स लाइक जैसे क्या बात करें, एक खुदीराम बोस, मंगल पांडे, भगत सिंह, है ना, बहुत सारे नाम है जिनको हम लोग कभी भूल भी नहीं सकते हैं, और उन इतने सारे नाम है कि उन लोग हम यहाँ पे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं, बात है कि नहीं। ये सारी चीजें हैं, ये तो हो गया पास्ट। ये बहुत सारी संघर्षों के बाद
हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को क्या हुआ आज़ाद, इसके पीछे बहुत सारी कहानी है, बहुत सारी कहानी है, उसको एक्सप्लेन करेंगे तो एक दिन से भी ऊपर। अभी भाषण में एक बोला गया था इंग्लिश स्पीच में कि मतलब एक दिन में क्या उसको एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते हैं पूरे कहानी को, ठीक है, बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। लेकिन नहीं, तो ये तो हो गई हमारी पास्ट, प्रेजेंट इंडिया। अभी अगर हम बात करें क्या अभी हम गुलाम हैं, नहीं, तो क्या अभी आज़ाद हैं, आज़ाद हैं, आप लोग आज़ाद हैं, सब लोग आज़ाद हैं, कैमरा घुमाइएगा उधर जी, आप लोग से पूछना चाह रहे हैं कि आप सब लोग आजाद हैं। अब अगर आप आजाद हैं तो हमें एक चीज बताइए, पेपर सभी लोग देखते हैं, न्यूज़पेपर सब लोग के पता है ना, सबके घर में फोन है अभी, भाई आजाद हैं तो हम लोग अपने तरीके से बहुत सारी चीजों को डेवलप किए, जैसे साइंस टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज जो कि पहले नहीं होती थी अब सबके घर में, जैसे कि बात करें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। अब डिजिटल इंडिया बनने वाला है, डिजिटल इंडिया घोषित भी हो गया, ये सारी चीजें। तो पास्ट तो हमारा कैसा था कैसा नहीं, अब उसके ऊपर ये 15 अगस्त वाला जो अगस्त वाला दिन है उसको हम लोग साल भर में एक दिन, ऐसे तो ये बात नहीं है कि एक दिन ही एक्सप्लेन करें, आपके अंदर वो भावना होनी चाहिए जिसको हम लोग 15 अगस्त के दिन क्या करते हैं, उसको एक उत्सव के रूप में मनाते हैं कि इसी दिन हमारी खुशी का दिन है, क्योंकि इसी के दिन हमारा क्या हुआ था, इंडिया आज़ाद हुआ था, ठीक है। अब बात रही यहाँ पे कि प्रेजेंट में अभी अगर हमारा क्वेश्चन है कि क्या अभी हम लोग स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, तो आप लोग का जवाब आया कि हाँ, लेकिन हाँ हम लोग तब तक बोलेंगे जब तक हमारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अभी आप लोग क्या समझते हैं, हम बता रहे हैं अपने तरीके से जहां तक हम फील कर पाए हैं, एंड आप लोग का भी राय लिया जाएगा, ठीक है। हम अभी भी कहते हैं कि हमारा इंडिया गुलाम, किसके गुलाम है उसको भी बता रहे हैं, हमारा इंडिया अभी भी क्या है, गुलाम है। इस पर एक एक्शन है, क्योंकि हम कुछ भी बात करते हैं तो टॉपिक्स पे ही करते हैं, ठीक है, गुलाम है। किस आधार पर कह सकते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं क्या आता है, रेप की घटना, लड़कियां स्वतंत्र नहीं है, लड़के ऐसे ही है ना, जो भी लड़के लोग को जितनी स्वतंत्रता है जितना बॉयज लोग है उतना लड़की लोग को नहीं है, बात है कि नहीं। हम सभी लोग विलेजर्स हैं ना जी, सबको पता है क्या क्या हो रहा है। आज देखिए जिस मातृभूमि को हम बोल रहे हैं कि स्वतंत्र है, आज वही मातृभूमि के लिए लोग लड़ाई करते हैं कि ये मेरा जमीन है और ये टुकड़ा मेरा है, तो कहाँ से हम आजाद हुए, बात है कि नहीं। पहले दूसरे घर के लोग हमारे घर में झगड़ा करवाते थे, दैट मींस इंग्लैंड वाले भारत को लड़ाते थे आपस में, लेकिन आज क्या है कि भारत वाले ही आपस में लड़ रहे हैं, तो हम कहां से आजाद हुए भाई, बताइए आप, बात है कि नहीं। और ये लड़ाई इस हद तक जाती है कि एक दूसरे का मर्डर तक हो जाता है, तो कोई इंसान सेफ कैसे है कि नहीं। दूसरी चीज पॉलिटिशियन की वजह से, अच्छा एक बात हम ये भी सोचते हैं लेकिन हम कभी एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज एक्सप्लेन करते हैं पूरे सोशल मीडिया के साथ भी एंड आप लोगों के साथ भी। समझिए कि देश के बाहर जो लड़ते हैं है ना, देश के बाहर जो लड़ते हैं वो हमारे सैनिक हैं, है ना, बहुत सारे आर्मी के जवान हैं जो कि हमको क्या करते हैं, बाहर के दुश्मनों से रक्षा करते हैं। तो अंदर में उग्रवादी पैदा कहाँ से लेते हैं, यही उग्रवादी के चलते हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरीके से स्वतंत्र फील नहीं कर पाते हैं। जब ये न्यूज आता है पेपर में कि यहाँ के उग्रवादियों ने यहाँ पे किया हमला और इतने लोगों की हुई मौत, तब उस समय कैसा लगता होगा कि हम लोग किस तरीके से बोलेंगे, किस मुंह से बोलेंगे कि हमारा इंडिया स्वतंत्र है। अभी मैं बता दूं, हमको कभी भी इस तरीके से बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। आज फर्स्ट टाइम है जो कि 15 अगस्त के दिन हम बोले थे, पहले होम ट्यूशन हम करवाते थे, ठीक है ना, जो कि पर्सनल किसी किसी को बताते थे, लेकिन आज सबको बताते हैं। इन सब का जिम्मेवार कौन है, पहली चीज तो हम इंडियन हैं टोटल, हम पूरे इंडियावासी को दोष देना चाहते हैं, इस चीज का जिम्मेवार है। आखिर कोई विदेशी लोग तो नहीं आया यहाँ पे उग्रवादी बनने, कौन बना, इंडियन बना है ना, कोई रेप करने विदेश से तो नहीं आया, किसने किया। अभी जस्ट 2 दिन पहले रक्षाबंधन का त्यौहार था, रक्षाबंधन क्या होता है, सब धर्म जाति से बढ़ के भाई बहन का रिश्ता का त्यौहार होता है ना, और यही भाई बहन का रेप कर दिया जाता है, बात है कि नहीं। तो किस आधार पर हम बोले कि भारत स्वतंत्र है, बात है कि नहीं। हाँ बोल सकते हैं कि भारत अन्य देशों से क्या है, आजाद है, अपने आप में है, जो भी टेक्नोलॉजी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। लेकिन प्रेजेंट इंडिया की अगर बात करें तो ये सारी प्रॉब्लम सभी हमारे इंडिया के पास है, इन सब से हम निपट सकते हैं कि नहीं निपट सकते हैं, निपट सकते हैं। इस चीज का एक ही चीज जिम्मेवार है, फ्यूचर इंडिया की बात हम पहले करेंगे बाद में, उससे पहले हम बात कर लेते हैं एकता।
किस चीज की? एकता। जब हमारा देश गुलाम था तो कोई एक इंसान अगर लड़ने आता कि हम पूरे इंडिया में पूरे जितने भी हमारे मतलब विदेशी लोग हैं उनको भगाना चाहे तो क्या भगा सकता था? नहीं। तो लोगों को क्या होना पड़ा? आजाद होने में टोटल कितना समय लगा था? 2 साल के लगभग संघर्ष किए तब जाकर हमें आजादी मिली। तो ये संघर्ष हम क्या किए? अगर चाहते तो हम लोग अपने दुश्मन को 1 महीना के अंदर ही भगा सकते थे, लेकिन 2 साल समय कहाँ पे लगा? इस एकता बनाने में, यूनिटी बनाने में, लोगों को जागरूक करने में। अब यही जागरूकता भंग होते जा रही है। पहले एकता थी इसलिए हम लोग दुश्मन को मार भगाए, लेकिन आज यही एकता क्या हो रही है? भंग हो रही है, मतलब टूट रही है, जिसके कारण लोग अपने आप को अकेला फील कर रहा है। सिटी में अगर कोई एक घर में मर्डर कर दिया जाए, मार देगा कोई इंसान उसको, तो बगल वाला घर नहीं जाएगा उसके घर, पूछेगा भी नहीं क्या हुआ क्या नहीं, न्यूज़ भी नहीं आएगा, है कि नहीं? हमारे सोसाइटी, क्योंकि हम लोग विलेजर्स हैं, कोई एक हम लोग अभी जो हम लोग गाँव वाले हैं, महात्मा गांधी बोले थे कि भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है, बात है कि नहीं? क्यों क्यों उन्होंने ऐसा बोला कि सिटी में नहीं करती है? क्यों? क्योंकि गाँव में अगर एक सांप भी निकल जाए तो उसको भगाने के लिए पूरे मतलब उस टोले पर के लोग क्या होते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं। तो वहाँ पे यूनिटी है, एकता है। लेकिन अब गांव की एकता भी क्या हो रही है? भंग हो रही है। किस मामले में? जमीनी विवाद में, है ना? इसको हम इसलिए लिए क्योंकि आप सभी लोग अभी युवा हैं तरीके से, है ना? आप अभी इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगर अभी आपके माता पिता को अगर समझाया जाए बहुत मुश्किल चीज़ हो जाएगी, मतलब कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी, ठीक है ना? बहुत मुश्किल। लेकिन आप लोगों को जागरूक कीजिए। इस भीड़ को हम इसलिए इसको प्रेजेंट इंडिया के बारे में बता रहे हैं अभी कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग नॉलेज ले रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है ना? आप लोगों को क्या कर सकते हैं? जागरूक कर सकते हैं, बात है कि नहीं? हम अकेला अगर चाहेंगे पूरे सोसाइटी को बदलने के लिए क्या बदल सकते हैं? नहीं। आपको भी क्या होना पड़ेगा? खड़ा होना पड़ेगा। तो ये एकता भंग हो रही है, तो हमें क्या करना है? एकता को बनाए रखना है। खान सर को जानते हैं सभी लोग? जानते हैं। उनके हाथों में 11 तारीख के दिन टोटल 2200 से प्लस राखियां बांधी गई। क्यों? उनका एक भी सिस्टर नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं? एकता बनाने का प्रयास करते हैं। वो नहीं समझते हैं कि ये मेरा कोई और है, ये मेरा कोई और है। सब लोग से राखी बनवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम पूरे इंडिया को एक सूत्र में बांध दें। लेकिन अगर खान सर भी सोचेंगे कि हम अकेले अगर पूरे इंडिया को हिला दें, पॉसिबल नहीं है जब तक उनके सपोर्टर या अन्य लोग खड़े नहीं होंगे, सोसाइटी के लोग, बात है कि नहीं? सेम कंडीशन है, ठीक है ना? हम पूरे देश को नहीं बदल सकते एक साथ, लेकिन अपने सोसाइटी को, अब पहले अपने घर को तो बदल सकते हैं ना, अपने टोला मोहल्ला सोसाइटी को तो बदल सकते हैं, उसके बाद सब लोग के जानते जानते जिला, स्टेट, इंडिया, क्यों नहीं बदलेगा इंडिया? संदीप महेश्वरी को आप फॉलो करते होंगे तो वो हर डायलॉग में बोलते हैं क्या आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि अगर हम चाह जाए तो कुछ भी हो सकता है, बिकॉज दिस इज द इंडिया। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडिया की। 3 ही टॉपिक्स है हमारे पास, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अगर इसी हिसाब से अगर सब कुछ चलता रहा तो इंडिया का फ्यूचर कहाँ होगा? यू कैन से मी, कहाँ होगा बताइए? इंडिया का फ्यूचर कहाँ होगा? इसी तरीके से घटनाएं होती रहेगी, उग्रवादी घटनाएं होती रहेगी, तो कहाँ होगा, है ना? और हम तो सबसे ज्यादा विरोध करते हैं भाई नेता लोग के, ठीक है? क्यों करते हैं? क्योंकि अरे हम क्या ही बताएं, नेता लोग का विरोध करने का बहुत सारे रीजन है, खासकर जो बड़े बड़े नेता लोग होते हैं, जो उग्रवादी, उन लोग अगर इसी तरीके से सोसाइटी को बदलने का प्रयास करेंगे, जिस तरीके से अभी हम बातें करते हैं, खान सर करते हैं, बहुत सारे टीचर्स करते हैं, तो जिस तरीके से सोसाइटी को बदलने वाली बातें होती है, इंस्पिरेंशनल जो बातें होती है, अगर वो बातों का अगर प्रभाव सोसाइटी पे पड़ेगा, सोसाइटी बदलेगी, जरूर बदलेगी, ठीक है? लेकिन यहाँ लोग क्या करता है, नेता पर हम इसलिए भड़क रहते हैं हमेशा, क्यों? क्योंकि उन लोग अपने वोट के लिए अपना प्रचार करेगा, बहुत मीठी मीठी बातें करेगा। शिक्षा व्यवस्था देखिए कहाँ है, गवर्नमेंट और प्राइवेट क्यों है आज, बात है कि नहीं? रीजन है, सबका जिम्मेवार कौन है? आए दिन न्यूज़पेपर्स में आप देखते होंगे, सोशल मीडिया जितने भी चैनल वाले होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, हमेशा सरकारी स्कूल कमियों को दिखाते हैं। तो भाई कमी क्यों है वहाँ पे, बात है कि नहीं? प्रदीप सर अभी बता रहे थे क्या कि हाई स्कूल है, इसको लोग फोड़ रहा है। भाई क्यों फोड़ रहा है, फोड़ क्यों रहा है, उस पर रोक क्यों नहीं है, बात है कि नहीं? और बात आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई ये मेरा संपत्ति है,
अब नेता के बात को हटाइए, गोली मारिए, हम लोग इधर समझिए कि देश का एक अगर कंकड़ भी है ना तो वो क्या है, हमारी संपत्ति है, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। ठीक है, बात है कि नहीं? एक एक चीज को अब ये नहीं समझ, अब यहाँ पे निजी और अपना सार्वजनिक पे नहीं आना है कि ये मेरा निजी है और ये मेरा सार्वजनिक है। अब बताइए कि जो जमीनी विवाद होती है, दिल दहल जाने वाली घटनाएं होती है इसमें, बात है कि नहीं? अगर इस पे बात करें कि पूरी मातृभूमि अगर नक्शा देखते हैं तो एक फीट अगर पाकिस्तान में चला जाएगा तो पाकिस्तान वाले को पूरा को उड़ा देंगे, बात है कि नहीं? है कि नहीं? इंडिया का इतना पावर है, लेकिन अब बात आती है कि इसी एक फीट जमीन के लिए इंडिया में मारकाट हो रहा है, कितनी गलत बात है, बात है कि नहीं? ये सारी चीजें हैं, आप समझ सकते हैं, अपने सोसाइटी में देख सकते हैं। ठीक है, और हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, पास्ट फ्यूचर एंड प्रेजेंट सब कुछ देख लिए हम लोग। एंड एक ही चीज बताते हैं कि ये जो झंडा है हमारा, इस तीनों कलर का मायने आपको पता है क्या होता है? क्या ऊपर वाला कलर कैसा है? केसरिया। बीच में क्या है? सफेद। बीच में एक और चीज है, अशोक चक्र बोलते हैं उसे, कितनी तिलियां? और नीचे क्या है? तीनों का अर्थ क्या है भाई? केसरिया क्या मतलब प्रतीक कराता है? बलिदानी का प्रतीक देता है कि हमारी आजादी में जो 2 सालों का लगभग संघर्ष लगा है उसमें हमारे क्या किए, बहुत सारे जवान शहीद हुए हैं, बहुत सारी कुर्बानियां दी गई है ना? तो इसलिए इसे कहाँ रखा जाता है? टॉप पे रखा जाता है। तो हम लोग इंडिया को हमेशा इज्जत देते हैं और अपने देश के वीर जवानों को क्या करते हैं, सबसे टॉप पे नाम लेते हैं, बात है कि नहीं? अगर देश की महापुरुष का नाम आता है तो क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी, वीर भगत सिंह बोलते हैं, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले देश को बलिदान दिया, तब जाकर हमारा देश आजाद हुआ और इस प्यारे से तिरंगे से हमें भेंट हुआ, मुलाकात हुआ। बीच में सफेद क्यों बोला गया है? सच्चाई और ईमानदारी। हम अभी जस्ट बताए थे स्टार्टिंग में, हमारे शरीर में ब्लड हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, लेकिन हमारे शरीर में या हमारे दिल में देश के प्रति नफरत और देश के लोगों के प्रति नफरत और बेईमानी, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। हमें देश के प्रति सच्चा प्यार होनी चाहिए। और कैसे होगा? सर भी बताया कि डीपी और स्टेटस लगाने से नहीं होता, आपके दिल में जगह होनी चाहिए देश के लिए, देश के लिए कुछ कर दिखाने की जज्बा होनी चाहिए। समझ में आया? पहले भी बहुत सारी चीजें हम बता चुके हैं कि मान लीजिए आप इंसान जन्म लेता है, मर जाता है, लेकिन कुछ ऐसा काम कीजिए कि देश का नाम उसमें ऊंचा हो जाए। और देखिए, अगर बात करें सबसे नीचे तो ये क्या है जी? सबसे नीचे कौन सा कलर? ग्रीन। मतलब किसानों का देश है मेरा भारत, बात है कि नहीं? भारत को कृषि प्रधान देश बोला गया है। क्यों? क्योंकि भारत में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कृषि कहाँ पे होता है? भारत में। अगर भारत में कृषि बंद हो जाए तो क्या होगा? अन्य देश भी भूखे मर जाएगा, बात है कि नहीं? क्योंकि भारत में सब लोग किसान करता है, किसानी सब लोग करता है, कृषि सब लोग करता है, बात है कि नहीं? लेकिन अगर इन सभी किसान अगर खेती करना बंद कर दे तो पूरा विश्व भी मर सकता है, इसीलिए किसानों का भी एक प्रतीक बताया गया है। मतलब और देश हमारा बोला जाता है भारत सोने की चिड़िया है, ऊपर से देखने पर स्वर्ग भी जैसा लगता है, सबसे सुंदर मेरा भारत है। समझ में आ गया? इसलिए इसको ऐसा दिखाया गया। अच्छा, जो चक्र है, चक्र में तिलिया कितनी है जी? 24। क्यों? समय हमारे पास कितना है? किसी के पास? अच्छा, एक बात बताइए, बहुत बढ़िया बात करने वाले हैं, जो हमारे देश के लिए कुर्बान हुए, बलिदानी दिए, जो शहीद हुए, उनके पास भी समय कितना था? सबके पास। हम लोग के पास कितना है? हम लोग देश के लिए कुछ कर क्यों रहे हैं अभी तक, बताइए, बात है ना? क्यों नहीं करेंगे? करेंगे ना, इसीलिए 24 घंटा बनाया गया है। अगर इसके पास अगर बात करें तो भौगोलिक तरीका है, बहुत सारी चीज, लेकिन हमें इंस्पिरेशन जगाना है अंदर से देश के प्रति। पीछे से कीप साइलेंट, सांद्रिय, समझ में आ गया? इस तरीके की बात है। तो इस झंडे का मतलब समझ में आ गया आपको? आ गया ना? किसी प्रकार कोई दिक्कत? आपको देश के लिए कभी मौका मिले तो वो काम करने से पीछे मत हटिए जो आप कर सकते हैं। समझ में आ गया? ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इंडियन आर्मी बनिए, आप एक नेता बनिए, प्रधानमंत्री बनिए, तभी आपको नाम होगा। आप एक सच्चा हिंदुस्तानी भी बन के या कुछ भी करके आप अगर हिंदुस्तान के रहने वाले हैं तो कुछ ऐसा कर दिखाइए जो कि देश में नाम हाई लेवल पर है। समझ में आ गया? ये सारी चीजें, एक बोला गया है, आप उन सभी कार्यों से पीछे हट सकते हैं जो आप नहीं कर सकते हैं, बात है कि नहीं?
लेकिन उन कार्य को करने से पीछे कभी मत हटिए जिसे आप कर सकते हैं। समझ में आ गया? ये सारी चीजें हैं, तो बहुत सारी बातें हैं और बाकी सब कुछ क्लास में किया जाएगा, ठीक है। और जितने भी हमारे ऑनलाइन देख रहे हैं आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग सेलिब्रेट किए यहाँ पे। आई होप दैट आपको भी सारा चीज समझ में आ गया होगा। एंड आपको समझ में आ गया? आ गया? चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या सर? जाने के नाम बोल तेज कब जाएंगे? नहीं जाएंगे। बोर लग रहा है क्या? नहीं। बोर नहीं लग रहा है? नहीं। पीछे तो बात करना छोड़ेंगे नहीं। क्या आप इस सोसाइटी को सुधारने में अपना योगदान दे सकते हैं? कैमरा घुमाइए जी, पूछते हैं बढ़िया से। क्या आप इस सोसाइटी को बदलने में अपना योगदान दे सकते हैं? वेरी गुड, थैंक यू, वेलकम। अब हमें क्या करना है? कुछ भी चीजों को, मतलब जो हमको लगता है कि हम देश के लिए कुछ भी नहीं किया, और ये चीज जितने भी बुराइयां हैं उसको खत्म करना है। उधर घुमाइए, इधर मेरे पास नहीं लाना है। जितनी भी देश में बुराइयां हैं हमारे सोसाइटी में, बिकॉज सबसे पहले हम सोसाइटी को बदलेंगे, उसके बाद आगे बदलेंगे। तो जितनी भी बुराइयां हमारे सोसाइटी में है, क्या आप तैयार हैं उसे बदलने के लिए? बदल सकते हैं ना? बिकॉज ये भी होना आसान है। क्या है? वेरी गुड। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे भी, और आपकी योगदान की आवश्यकता है। बिकॉज एक इंसान अगर खड़ा होगा लड़ने के लिए तो वो लड़ नहीं सकता। समझ में आ गया? बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, सभी चीज आप जहां पर भी नजर दौड़ाए हर जगह दो चीज मिलती है, एक खराबी एक अच्छाई। अच्छाई के लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, और जहां पे बुराई हो वहां पे झुकना भी नहीं है। समझ में आ गया? ये जब तिरंगा आता है हमारे हाथ में, ठीक है, और या कोई फौजी जब वर्दी पहनता है, ठीक है, तो उसके अंदर एक आग लगता है बॉडी में कि इस तिरंगे को और वर्दी अगर पहन ले तो वो समझता है कि पूरा पाकिस्तान अगर अकेला भी आ जाए तो उसके लिए एक जवानी काफी है। बात है ना? पूरा पाकिस्तान आ जाए तो उसके लिए इंडिया का एक जवानी काफी है। बात है ना? जब इंडिया में घुस, जब पाकिस्तान में घुस के 1000 किलो का बम गिरा सकता है तो समझिए क्या कर सकता है इंडिया वाले। बात है कि नहीं? तो इस तिरंगे को सम्मान हम लोग देते देते ये भी हम लोग ठानेंगे आज कि समाज में होने वाली जितने भी बुराइयां हैं उसको हम लोग मिलजुल कर क्या करेंगे? खत्म करेंगे। सुधारना नहीं है, बुराई को खत्म करना है जड़ से, ताकि जो हम लोग लाइफ जिए बहुत बेहतर तरीके से। अभी देखिए क्या है, हम बता दें, थोड़ा सा बेसिक चलते हैं, 5 मिनट और समय लेंगे। मान लीजिए जो विकसित देश है, हमारा इंडिया भी विकासशील नाम में, मतलब क्या बोला जाता है, विकासशील में जोड़ा जाता है, और बाकी देश क्या है? विकसित हैं। लेकिन भाई विकासशील इंडिया क्यों है? जब इंडिया महान है तो विकासशील क्यों है? इसको विकसित बनाने में किसका योगदान रहेगा? हम लोग का, है ना? कैसे करेंगे? ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे देश के लिए, जिससे देश कि अगर गिनती हो तो ये ना काउंटिंग बने कि देश में ये चीज की कमी है। इसीलिए तो अमेरिका की बात करें तो क्या है, विकसित उसे बोला जाता है। क्यों? बहुत बड़ी रीजन है वहां की, 5 सेकंड में लोग सोचता है 5 मिनट में कि हम कुछ नया करेंगे, लेकिन यहाँ पे लोग क्या सोचता है, वो आगे कैसे बढ़ गया, है ना, वो आगे कैसे बढ़ गया, ओकर बारे में ओकर टेंशन लगे, ई मरेगा इधर। तो क्या है, आपस में ही जलस फील हो रहा है। तो कैसे इंडिया आगे बढ़ेगा? बात है ना? बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग अपना भी समय दिए और आए यहाँ पे, ठीक है। आई होप दैट आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड मुझे ये भी विश्वास है कि आप लोग बहुत कुछ इस सोसाइटी के लिए, हमारे इस देश के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं आगे। समझ में आ गया? तो इस कार्यक्रम को हम लोग अब करते हैं समाप्ति। एंड अभी भी अगर कुछ लोग अगर उठकर आना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। लास्ट में हम एक ही चीज बोलेंगे आप सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, पढ़ेगा इंडिया तब ना बढ़ेगा। यस, ठीक है, आप पढ़ेगा, देखिए, पढ़ेगा इंडिया तभी लड़ेगा।
तभी आगे बढ़ेगा। वेरी गुड। लड़ना है ऐसे आपस में नहीं, कहाँ से बुराइयों से लड़ना है। जो इंडिया में कमी रह गई है उसको हटाने के लिए लड़ना है, उसमें सुधार करने के लिए लड़ना है। समझ में आ गया? लास्ट में एक ही चीज बोलेंगे, भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। इस तरीके से कार्यक्रम को करते हैं समाप्तिकरण। थैंक्स टू ऑल। एंड प्रदीप सर कुछ बोलना चाहते हैं? सर देखिए थोड़ा सा एक बात समझ में आया है थोड़ा सा। डेट है आज का, ठीक है ना? बहुत ध्यान। देखिए स्टार्टिंग है आज़ादी के 75 अमृत महोत्सव जो है स्टार्टिंग है, और स्टार्टिंग है तो कुछ हम लोग नया लेके चलते हैं, ठीक है? कुछ दिमाग में आया है? हाँ, तो जो शुरुआत हो रहा है आज़ादी के अमृत महोत्सव, इसमें हम लोग सभी एक अच्छाई चीज़ को अपनाएंगे और एक बुराई चीज़, जो देखिए सबके अंदर बुराई होता है, कुछ ना कुछ जो है हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ बुराई है और उसके अंदर अच्छाई भी है। आपको अच्छाई को पहचानने की ज़रूरत है और बुराई को भी पहचानने की ज़रूरत है, और बुराई को पहचान कर उसको क्या कर देंगे? जब आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल पूरे होने पे इस वर्ष से अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो क्यों ना हम लोग इस अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर कुछ नया करने का प्रयास करें, जिससे हमारे सोसाइटी में कुछ क्या बहुत ज़्यादा सुधार हो सके। अगर हम लोग यहाँ पे अभी 50-55 लोग हैं, 50-55 लोग ही अगर रेडी हो जाएं और करना शुरू कर दें तो भाई देश तो कहाँ जाएगा पता नहीं। पहले अमित सर देखिए एक बुराई को छोड़ रहे हैं। तो अगर हम बुराई की बात करें दोस्तों, जितने भी हमारे यहाँ पे हैं सभी दोस्त हैं साथी हैं, तो देखिए बुराई तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जब हम अपना स्पीच देना स्टार्ट किए तो हम तो उस समय ही बात किए पास्ट इंडिया, प्रेजेंट इंडिया एंड फ्यूचर इंडिया, जिसमें हम बुराई ही केवल बताए हैं, बात है ना? तो बहुत बड़ी बुराई है। क्या अभी बताए थे जितने भी भारत के नक्शे के अंदर जितने भी घटनाएं हो रही है वो सब क्या है? बुराई है। अब आप लोग का बताना है कि पार्टिकुलर क्या है, आपको क्या लगता है, ये सारी चीज़ें जिसमें हम सबसे जो हाईलाइट किए हैं जमीनी विवाद को किए हैं, एंड जो उग्रवादी घटनाएं होती है जैसे जंगल में, ये सारी चीज़ें जो हम पेपर में देखते हैं, जो न्यूज मीडिया में देखते हैं, उसको हम एक्सप्लेन करने के प्रयास किए हैं। तो मेरा मेन है जमीनी विवाद, एंड सेकेंड क्या है? उग्रवादी घटना, कि आखिर ये आते कहाँ से हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं, एंड जो रेप केस है, तीन मेरा है बुरा यहाँ पे बहुत ज्यादा, जो कि इंडिया को पूरी तरीके से बर्बाद करती है। एंड अंदर क्या बुराई है आपके अंदर? अरे भाई देखिए आपके अंदर की बुराई आप पहचान लीजिएगा तो आप सबसे बड़े इंसान होते हैं। समझ में आ गया? हम अभी तक यही पहचान पाए हैं कि हम भाई नेता लोग की बुराई करते हैं, फर्स्ट बुराई मेरा है। समझ में आ गया? सेकंड बुराई मेरा ये है, नेता का बुरा करना अच्छा ही बात है। देखिए प्रदीप सर, हाँ देखिए जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे गलत करना ये भी अच्छी बात है, ठीक है? मेरे अंदर हम बता दें आपको, मेरे अंदर इस सोसाइटी के लिए बुरा सोचने का समय नहीं है, एंड हम सोचते भी नहीं है कभी भी, बिकॉज इसी सोसाइटी से हमारा पूरे इंडिया का निर्माण हुआ है। तो हम कभी, मेरे अंदर ऐसा फीलिंग नहीं जाएगा कि अगर हम ये समाज में गलत कर दें तो ऐसा हो सकता है। समझ में आ गया? तो सिंपल सी बात है कि इस देश के लिए हमारे अंदर कोई भी बुराई नहीं है, मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ। एंड हम जब भी देखते हैं जी, अभी आप लोग ये भी मानते होंगे जाति धर्म मतलब जो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना? रक्षाबंधन का त्यौहार इससे बहुत ऊपर लेवल का होता है, लेकिन मेरी एक बुराई है, या आप लोग अच्छाई भी बोल सकते हैं, तो आपके डिसीजन पे है। मैं अभी भी अपने आप को मानता हूँ कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। क्या हूँ? हिंदुस्तानी, आई एम द इंडियन। समझ में आ गया? मेरा जाति क्या है पता नहीं, बिकॉज सबसे पहले जब इंडिया पर कोई आया होगा तो उसका कोई जाति नहीं बना हुआ था कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्या हो क्या नहीं हो। बताया गया था हमारी धर्म है मानवता, एंड हमारी जाति है मानवता का, धर्म भी है, एंड हमारी असली जो धर्म है वो है द इंडियन। समझ में आ गया? दैट्स ऑल। मैं अपना बुरा एक बताता हूँ, मैं समय का पालन नहीं कर पाता हूँ, ठीक है? हमेशा आप देखते होंगे कि ट्यूशन लेट से आते हैं ना, नहीं 2 मिनट 5 मिनट हमेशा लेट हो ही जाता है,
था से मैं कोशिश करूंगा। आज भी आप देख रहे हैं कि लेट से आ गए, लेकिन थोड़ा कम कुछ था, प्रॉब्लम था, इसलिए वजह से हम लेट आ जाए। ठीक है, ये बहुत बुरा है चीज़ है, आप अंदर जो है शरीर के अंदर जो है समय का पालन न करना, ये मैं मानता हूँ कि बहुत बुरा चीज़ है। आप जब तक समय को वैल्यू नहीं देंगे, समय को आप जब तक उसको मतलब मानेंगे नहीं कि हाँ, क्योंकि समय से बड़ा बलवान कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ा हम में एक कमी है, तो मैं कोशिश करूंगा। ठीक ना, पूरी तरह से हम नहीं कहता हूँ कि हम कर ही लेंगे, क्योंकि आदमी है, मिस्टेक तो होता ही है। ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे पूरी तरह से कि जब भी मतलब कहीं जाना हो या कुछ भी करना हो या आपका ट्यूशन ही क्यों ना आना हो, मैं समय से आने का प्रयास करूंगा। मैंने इसको निकालने का कोशिश मैं करूंगा, और अच्छाई में करूंगा कि अभी जितना मैं आपको देता आ रहा हूं उसमें मैं डबल माने इससे भी कई गुना मैंने एनर्जी के साथ आपको एक नया नया चीज जो है देने का कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं देखिए मैं यहाँ आता हूँ तो आपको शिक्षा देने ही आता हूँ, कुछ ना कुछ बताने आता हूँ, तो आपके लिए तो सबसे बेहतर तो यही होगा कि हम कुछ एक्स्ट्रा दें। इस महीना से ही आपको बहुत अच्छा अच्छा चीज़ मिलने वाला है। ठीक है, एक अलग वे में, एक अलग तरीका से आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नया नया इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ मैं। ठीक है, नए तरीके से स्टार्ट करने वाला हूँ। अब क्या होगा आप लोग भी देखिए और समझिए। ठीक है, देखने को तो देखिएगा आप ही लोग, आप लोग मतलब समझ लीजिए ना कि एक मैंने हम समझते हैं कि आप लकी हैं। ठीक है, जो जितना चीज जितना दिन तक आपके लिए हैं आप यहाँ पे रहेंगे उतना दिन के लिए आप लकी साबित होने वाले हैं, क्योंकि आपको जो है बेहतर से बेहतर यहाँ पे शिक्षा का नया नया तरीका से आपको मिलने वाला है। ठीक है, और नया तो मिलेगा ही, लेकिन शिक्षा का नया तरीका से, और मेरे पास क्या क्या प्लान है वो मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। ठीक है, कहने से ज्यादा कुछ नहीं होता है, इम्प्लीमेंट करूंगा, उसके बाद आप बाकी समझ ही जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। और आपके अंदर सबसे बुरा चीज है कि आप पढ़ने पर ध्यान नहीं देते, बस सबसे बुरा, इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है आपके लिए, क्योंकि आप अभी स्टूडेंट हैं और आप देश का भविष्य हैं, आप मानते हैं। अभी सर बोले ना कि प्रेजेंट में कीजिएगा तब ना फ्यूचर ठीक होगा ना जी, हम गढ़वा वाला रास्ता जब भी नहीं करेंगे तो गढ़वा पहुंच जाएंगे, संभव है क्या? अगर हम मैट्रिक की परीक्षा देवे नहीं करेंगे, मैट्रिक वाला रास्ता पर जेबे नहीं करेंगे, पास हो जाएंगे नहीं ना होंगे? तो यानी कि हम लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं, तो कौन रास्ते पर चल रहे हैं? ये प्रेजेंट में तो चल रहे हैं, लेकिन रास्ता क्या हम लोग का? शिक्षा, शिक्षा। अब शिक्षा का मतलब ये नहीं कि कहानियां याद कर लिए, दो गो प्रश्न याद कर लिए तो शिक्षा हो गया, नहीं। हाँ, शिक्षा का मतलब होगा कि आप जो है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ अच्छा करें, बुरा चीज कभी ना करें। बुरा चीज हो रहा है तो उसको आप चाहे कि मतलब खत्म करने का प्रयास करें। ठीक ना, लड़ झगड़ के नहीं। ठीक ना, क्योंकि जो चीज प्यार से समझाया जा सकता है, प्यार से खत्म किया जा सकता है, वो चीज गोली बंदूक और तलवार से कभी नहीं खत्म किया जा सकता है। लड़ाई को केवल और केवल शब्द से, केवल और केवल मस्त बात से सबसे बड़ा हथियार होता है। ठीक है, बात समझौता, ठीक ना, ये सबसे बड़ा हथियार है। पहला तो यही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, पहला तो यही यूज करेंगे, जैसा कि महात्मा गांधी करते थे, सत्य और अहिंसा। हाँ, दो चीज के बड़े पुजारी हुआ करते थे। ठीक ना, सत्य और अहिंसा, यानी कि जो भी चीज जीतना है हम कैसे जीतेंगे? सत्य से। तो आप भी ईमानदार बनिए। ठीक ना, एक दिन कहते हैं कि आप पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, और अगला दिन घर जाके ट्रिंग मनी हो जाता है, बुला बुला बुला, वो फिल्म देखे ना, बुला 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 बुला, भुला जाते हैं आप लोग तुरंत मनी। मैंने ये कान से डालते हैं एक में तो है छिद्र है ना, पूरा ही है, इसको बंद करने की कोशिश कीजिए। ठीक ना, आप प्रण बहुत समय लिए हैं, लेकिन आज जो है बहुत अनोखा दिन है, इसलिए आज हम लोग प्रण लेंगे कि आपका काम अभी सिर्फ सिर्फ पढ़ना है, और बाकी कुछ थोड़ी काम है अभी आपके पास, सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में क्या करना है आपको? पढ़ना है। आप एकदम पढ़ाई में जो है अपना सिर्फ 100% दीजिए, ज्यादा कुछ मत कीजिए, बात मत करो अभी। आप केवल और केवल पढ़ाई में क्या करेंगे? अपना 100% दीजिए, यानी कि पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल पढ़िए। ठीक ना, ये नहीं कि दिखाने के लिए, किसी को दिखाने के लिए मत पढ़िए। ठीक ना, किसी को जताने के लिए, किसी को बताने के लिए, दिखाने के लिए कभी मत पढ़िए। दिखाने के लिए पढ़िएगा कुछ नहीं होगा,
ठीक है, बस अपने लिए पढ़िए, जानकारी के लिए पढ़िए, देश के लिए पढ़िए, ठीक है, क्योंकि आप कुछ करेंगे तब ना देश आगे बढ़ेगा जी। आप जब जो है कुछ फालतू चीज बन जाइएगा, उग्रवादी बन जाइएगा, ठीक ना, क्योंकि आदमी में से ना बनता है जी। आप जो है चोर डकैत बन जाइएगा, ठीक ना, देश को आप बर्बाद करने की स्थिति में आ जाइएगा, ये तो बुरा होगा। तो आप हमेशा मैंने क्या करें, पॉजिटिव लेकर चले, ठीक ना, पॉजिटिव कब, जब पॉजिटिव मन में रहेगा तब ना पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव कब होगा, जब शिक्षा आपके पास अच्छा होगा तब ना, तो शिक्षा अच्छा ग्रहण करना है। अब ये होगा कब, जब आप मेहनत करेंगे, क्योंकि मेहनत के आगे कुछ नहीं है, मेहनत से तो पहाड़ को भी क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, जस्ट लाइक माझी द माउंटेन मैन, ठीक है, आप सुने होंगे बिहार के माउंटेन मैन, ठीक है, मांझी द माउंटेन मैन, आप फिल्म विल्म देखे होंगे इस साल, ठीक ना, कितना बढ़िया एकदम फिल्म है, एकदम पूरा अच्छा लगता है देखने में, ठीक ना, कभी मौका मिले तो देखिए जरूर, ठीक ना, एकदम मैंने समझिए कि पहाड़ को हम लोग सोच नहीं सकते हैं कि पहाड़ में रास्ता बनाएंगे, पगला गए का, ठीक ना, अगर कोई ऐसा काम नहीं करे तो अब सही में पागल कहते थे, ये बुढ़वा पागल हो गया, ठीक ना, पहाड़ पहाड़ से रास्ता बनेगा, लेकिन देखिए मेहनत के आगे कुछ हुआ, मेहनत के आगे सब कुछ घुटने टेकता है, बसरते आपका एकदम एनर्जी जो है ना, आपके अंदर विश्वास जो है ना दृढ़ होना चाहिए, ये नहीं कि आगे चल के टूट गए, टूटने वाला नहीं, एकदम हमेशा जुड़ने वाला विश्वास होना चाहिए, ठीक है, इस बुराई को आप क्या कीजिएगा, खत्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और हमेशा हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ अच्छा बनने का प्रयास करेंगे। अभी जो भी आपको टारगेट मिला है, 9 क्लास में है उनका 9 क्लास का टारगेट है, 10 क्लास में है आपका 10 क्लास का टारगेट है, अभी तो यही टारगेट ना होगा, जो 8 में है 8 का टारगेट लीजिए, ठीक ना, उसको पूरी तरह से क्या कर देना है, एकदम नष्ट नाबूद कर देना है, ठीक है, एकदम मतलब मैट्रिक एकदम परीक्षा देंगे तो मैट्रिक परीक्षा के खोपड़ी में छेद कर देंगे एकदम, इतना ठीक है, एकदम कबाड़ देना है एकदम, पूरा छोड़ना नहीं है एकदम, समझ रहे बात को, एकदम पूरा एनर्जी के साथ, आपके पास टाइम ही टाइम है, अभी समय है, ठीक है, अभी से अगर स्टार्ट करें, देखिए जब भी जागे तभी सवेरा, ठीक है, 10 बजे जागो तब सवेरा हो रहा है, आपके जागे थोड़ी, जब जागे आपके लिए हुआ, वो आपके लिए हुआ, लेकिन औरों के लिए क्या है, सवेरा तो हो चुका है, आप भीड़ में कहाँ हो गए, पीछे ना हो जाएंगे, ठीक ना, और हम कहा बताए हैं कि हमेशा भीड़ में कहाँ निकलिए, आगे, क्योंकि आगे वाला का चेहरा होता है, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, तो भीड़ बनकर रह जाना चाहेंगे, नहीं। क्या चाहेंगे कि हम जब सभी तो आदमी मरेंगे ही, मतलब जन्म लिया है तो मरेंगे ही, तो क्या मरने के बाद कोई ना नाम ले, नाम ले तो क्या बुराई में नाम ले, ऐसा चाहेंगे आप, जब मर, देखिए जितना भी अभी हम आप लोग नाम लिए, ठीक ना, जितना भी नेता का नाम लिए जो आज़ादी के लिए, आज क्यों नाम ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, अच्छा काम किया, आपके घर आसपास में भी देखते होंगे कि जो अच्छा काम किए होते हैं, अगर वे देहांत हो जाता है, उनका देहांत हो जाता है तो कितना नाम लेते हैं, ये बढ़िया आदमी था, लेकिन जो बुराई करते हैं या जो अच्छा नहीं किए हैं उनको हम कहते हैं अरे ठीक होगा कि मरिए गया, तो क्या वही कहलाना चाहेंगे, नहीं ऐसा कभी हरगिज नहीं होने देंगे, ठीक है, तो आप जो है झंडा सब जिनका जिनका झंडा है ना ऊपर कर दीजिए, अब लास्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक ना, हाँ सब झंडा ऊपर कर लीजिए जिनके पास भी है, अब थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, एकदम झंडा झुकना नहीं चाहिए, हाँ झंडा झुकना नहीं चाहिए, और हम लोग जो है समाप्ति अभी नहीं करना, सब 5 मिनट और कुछ बोलना है, नहीं अगर समाप्ति करना होगा समाप्ति कर दो, हमको जान दीजिए उधर, आप भी आ जाइए सर, इधर ही खड़ा रहना चाहिए, थोड़ा सा हाथ दर्द दर्द करे, बस लास्ट कर रहे हैं, ए खड़ा जी, लास्ट करने से पहले हम बोल रहे हैं कि अभी 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हम ये सारी बातें किए, आप लोग का एनर्जी लेवल लो नहीं होना चाहिए क्योंकि अब समाप्त करना है, ठीक है, 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हम लोग इन सभी बातों से क्या किए, इन सभी को अब खत्म कर देंगे, लेकिन अभी हम एक खिड़की लगा दीजिए ना, हो गया, अभी हम एक बिग अनाउंसमेंट करने वाले हैं, समझ में आ गया, इस कोचिंग के लिए एंड हमारे साथ देने वाले राइट हैंड की तरह प्रदीप सर, ठीक है, हम ये करने वाले हैं कि हर एक चीज को देखिए, मान लीजिए हम लोग ऐसे बदल नहीं सकते हैं, आज 15 अगस्त के दिन आपको बता दिया गया, फिर साल भर के बाद बताया जाएगा, तो ऐसे में इंडिया नहीं बदलेगा, समझ में आ गया, अपना सोसाइटी नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम लोग हर एक संडे को जिस दिन हम लोग छुट्टी रखते हैं उस दिन,
जिस मतलब हर एक संडे को हम लोग क्या करते हैं, छुट्टी रखते हैं ना, लेकिन अब से छुट्टी नहीं होगा, अब से ऐसे ही सभी को एक साथ बैठकर और समाज की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। अब इस तरीके से ये कोचिंग एक कोचिंग ही नहीं होगा, एक तरीके से इस संस्थान में भी हम लोग बदल सकते हैं, बात है कि नहीं इतना। लेकिन एक भी लोग डिमोटिवेट या नीचे जाने की ओर आप लोग नहीं जाएंगे, ठीक है, सभी लोग ऊपर उठने का प्रयास कीजिए। एंड जो भी समस्या है हम सभी मिलकर सॉल्व करेंगे, कोई एक इंसान किसी भी समस्या को सॉल्व नहीं कर सकता, समझ में आ गया। इसी तरीके से हम लोग करते हैं इस कार्यक्रम का समाप्तिकरण नारे के साथ, भारत माता की, वंदे वंदे, वीर भगत सिंह की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, सुभाष चंद्र बोस की, खुदीराम बोस की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद जय हिंद, थैंक्स ऑल।